हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, फैमिली के साथ होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। प्लांट लवर के लिए ये बरसात का सीज़न बहुत ही एक अच्छा टाइम होता है, और जो नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है। मानसून बेस्ट सीज़न होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो बरसात में जो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, फ्लावरिंग करते हैं, आज उसी के बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज बात करूंगी एलामंडा प्लांट के बारे में। बरसात के टाइम पे इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होता है, और देखिए आज पूरे घने बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। तो ऐसे ही है, और इसमें ये जो फ्लावर है येलो कलर का, बहुत ही ब्राइट लग रहा है, गार्डन में एक कलर ऐड कर देता है इस टाइम पे। और मैं टेरेस में गार्डनिंग करती हूँ, तो अगर धूप की बात करूँ, लाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद है। तो यहाँ पे करीब 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाता है, और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बोल रही थी, इसको फुल डायरेक्ट सनलाइट पसंद है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो पार्शियल शेड में, यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और फ्लावरिंग भी करता है। और इसका ना कई सारा वैरायटी होता है, कुछ तो है जो वाइन जैसा, और ये जो है ये ड्वार्फ वैरायटी का है, और ये बुशी टाइप का होता है। देखिए इसके पत्ते जो है छोटा छोटा है, फ्लावर भी थोड़ा छोटा होता है, और ये पॉट में लगाने के लिए बहुत अच्छा है। और सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है, क्योंकि मैंने इसको पॉट में ग्रो कर रही हूँ। वैसे ये तो सभी सॉइल में बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। और देखिए इस तरह का एक कंक्रीट का बने हुए हैं मेरे टेरेस में, तो इसमें ही मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। गार्डन सॉइल, सैंड और काउडंग इक्वल रेशियो में ऐड करके मैंने इसका सॉइल को तैयार किए थे। और बरसात के टाइम पे ना देखिए इस तरह का वीट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हमेशा पॉट से बाहर फेंकना चाहिए, नहीं तो जो प्लांट का ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि सभी न्यूट्रिशंस ये वीड ले लेता है। तो इसीलिए हमेशा पॉट से इसको फेंक देना चाहिए। और देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं इसमें, ढेरों सारे बर्ड्स हैं, और फ्लावरिंग तो देख ही पा रहे हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसमें मैं सिर्फ मस्टर्ड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, यानी कि सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वही देती हूँ महीने में एक बार। बहुत दिन पहले मैं इसका और एक वीडियो मेरे चैनल पे शेयर किया था, बहुत पुराने हैं वो वीडियो, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। उस टाइम पे भी ये इस तरह से ही फ्लावरिंग करते थे, और अभी भी ऐसे ही कर रहा है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। वैसे ये तो एक बुशी प्लांट है, लेकिन फिर भी इसका शेप को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पॉट में ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रूनिंग करने से देखिए इस तरह से बहुत सारे नए नए ब्रांच निकलता है, और सभी में इसमें फ्लावरिंग होता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर भी पा सकेंगे, साथ ही साथ शेप भी मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह का अगर कटिंग कहीं पे मिल जाए, देखिए इस तरह का लीफ नोट होना चाहिए, तो इस तरह का कटिंग को मिट्टी में दबा देने से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और अभी तो मानसून का सीज़न है, इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हर साल मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, तभी इसका जो शेप है इस तरह का मेंटेन रहता है। वैसे इसमें डिजीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, मिलीबग्स थोड़ा बहुत होता है, तो अगर एक दो दिख जाए तो मैं वो ब्रांच को कट कर देती हूँ, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो कोई भी माइल्ड सोप जो होता है उसका लिक्विड मैं इसमें स्प्रे कर देती हूँ। तो ये 2-3 दिन बाद बात करना चाहिए, जब तक ना ये पूरा जो मिलीबग्स है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे करने से प्लांट ठीक हो जाता है। और अगर अफिड्स का प्रॉब्लम होता है तो मैं नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और मैं महीने में एक बार तो फंगिसाइड दे देती हूँ। तो ऐसे ही है।
और हाँ, इसमें अगर रूट रॉट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, अगर जो वाटर लॉक का प्रॉब्लम होता है, अगर पानी ठहर जाएगा तो वाटर लॉक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो तब इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं, इस प्लांट को ज़रूर इस बार अपने गार्डन में ऐड कीजिए। होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने पसंद भी किए होंगे। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।